राजगढ़ जिले के उद्भव नगर में विगत 21 अप्रैल को हुई घटना का खुलासा करते हुए राजगढ़ कोतवाली पुलिस ने अंतर्राज्यीय 4 गिरोह के सदस्यों को पकड़ा है। गिरोह के सदस्य राजगढ़ सहित पड़ोसी राज्यों के अलग अलग शहरों में चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे। खुलासा करते हुए SP प्रदीप शर्मा ने बताया कि उद्भव नगर निवासी अभिषेक व्यास के घर अज्ञात चोरों ने 20 और 21 अप्रैल की दरमियानी रात CCTV कैमरे से बसते हुए अलमारी का लॉक तोड़ने का प्रयास किया। जब लॉक नहीं टूटा तो चोर पूरी अलमारी को ही उठाकर ले गए। अलमारी में सोने चांदी की जेवरात और नकदी मिलाकर करीब 2.5 लाख की चोरी की गई थी। चोरी के बाद अलमारी को नाले में फेंक दिया गया। वहीं गश्त के दौरान पुलिस टीम को जब व्यास परिवार के घर का दरवाजा बाहर से लगा हुआ दिखाई दिया तो पुलिस ने परिवार को जगाया और चोरी की बात सामने आई। थाना प्रभारी ने विवेचना शुरू की। वहीं घटना स्थल और उसके आसपास पतारसी के प्रयास प्रारंभ किए गए। FSL डॉग स्क्वाड सहित फिंगरप्रिंट विशेषज्ञों ने घटना स्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। मामले में अज्ञात के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया था। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद चोरों को पकड़ लिया है और जब उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि वे अलग अलग राज्यों में चोरी की कई वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। आप लोगों को पता होगा कि अप्रैल में एक हफ्ते में कुछ सिलसिलेवार घटनाएं हुई थी, सभी में पटाक्षेप किया गया। इसी तरह की घटना 21 अप्रैल की रात को उद्धव नगर में हुई थी, जहाँ पर कुछ चोर घर में क्योंकि कूलर चल रहा था और पूरी फैमिली अंदर सो रही थी और उस बात का फ़ायदा उठाकर खिड़की के रास्ते अंदर घुसे, दरवाज़ों को लॉक किया और जब अलमारी का ताला नहीं तोड़ पाए तो पूरी की पूरी अलमारी लेकर नाले की तरफ लेकर चले गए थे। मामला गश्त पार्टी को पता चला, 100 टाइम को पता चला, फिर उन्होंने घर जाके फैमिली को उठाया, दरवाजे खोले और जब उसके बाद फिर आसपास देखा तो जो अलमारी थी वो नाले में बरामद हुई। जो अपराधी हैं ये पूर्व में जिला गुने के रहने वाले हैं और पूर्व में भी जिले में 2019 में कुछ घटनाएं कर चुके हैं जब इनको गिरफ्तार किया गया था। अभी इन्होंने नाले का प्रयोग किया, ये किसी तरह से नाले में आए, नाले में इन्होंने रेस्ट किया और रात को 3 बजे इस घटना को अंजाम दिया। ये बहुत चुनौतीपूर्ण था क्योंकि नाले के रास्ते आए थे, इसलिए बहुत ज़्यादा क्लूज उसमें डेवलप नहीं हो पा रहे थे और जो फरियादी है उनका घर भी लास्ट घर था, नाले के एकदम किनारे लगा हुआ था। परंतु जो कैमरे हम लोगों ने अभी इतने दिनों में लगवाए हैं उसमें एक कैमरे में हमें कुछ लोग संदिग्ध लोगों का मूवमेंट दिया और जहाँ से इस पूरी घटना को हम लोगों ने डेवलप करना चालू किया। इसमें हमारे एडिशनल SP साहब और SDOP इनके नेतृत्व में एक टीम का गठन किया जिन्होंने पूरी घटना को स्टडी किया और मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि ये मोगिया बे और फतेहपुर गुना जिले में दोनों गांव हैं, वहाँ के रहने वाले शातिर चोर हैं। 3 पार्टियाँ बनाई गई और इन्होंने बड़ी बहादुरी से उस गांव में दबिश दी और मुख्य आरोपी जगदीश उर्फ जग्गा इसको इन्हें गिरफ्तार करने में सफलता मिली। मैं यहाँ मेंशन करना चाहूँगा कि पूरी टीम ने बहुत साहस का परिचय दिया और काफ़ी दूर तक, कई किलोमीटर दूर तक इनका पीछा करने के बाद इनको एकदम अनड्यूलेटेड टेरेन में पकड़ा गया। इसमें 3 आरोपियों को अभी तक गिरफ्तार किया गया। राजाराम भील करीब 25 साल, जो दांगीपुरा जिला झालावाड़ का रहने वाला है। पप्पू भील 25 साल, ये मोगियाबे थाना दांगीपुरा जिला झालावाड़ का रहने वाला है। भाई साहब भील उम्र 20 साल, ये कुसुमपुरा थाना ब्रिगवास जिला गुना का रहने वाला है। इन सब ने इस बात को कबूला कि ये रात में आए थे, नाले के किनारे आए, नाले में उन्होंने रेस्ट किया परिवार को। जब घर को देखा कि सब लोग सो गए तो जो चटकनी थी उसको उचका के एक आदमी अंदर घुसा, उसने मेन गेट खोला और बाकियों को अंदर आने दिया और फिर ये पूरी की पूरी अलमारी लेकर यहाँ से रवाना हो गए।